ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, अब आ रही है आवाज़? अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और मुझे बताएं आवाज़ क्लियर? ठीक है, थैंक यू। हम वापस जा रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। और मुझे ऑडियो में बता देना यार, कोई मसला हो ना क्लास के दौरान। ये हम कॉलेज से ही कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस अभी तो। खैर, द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन इफ द मार्क इन द मार्केट इफ इट फेल्स ऑन इट्स ओन। क्या मतलब है? अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा, मार्केट को अपने आप पे छोड़ दिया जाएगा, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो मार्केट फेल कर जाएगी। फेलियर ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। मार्केट फेलियर से मुराद क्या है? इसका मतलब है इट इज वेन द फ्री मार्केट, द फ्री मार्केट इकोनॉमी फेल्स टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का बनाने का मकसद ही यही था कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज जो कि स्कार्स हैं, रिसोर्सेस जो कि स्कार्स रिसोर्सेस हैं, जो कि लिमिटेड हैं, इनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए। एलोकेशन का जो तरीका मार्केट इकोनॉमी में यूज होता है वो ये है कि डिमांड सप्लाई बताएगी क्या करना चाहिए। डिमांड सप्लाई बोलेगी जो चीज़ बननी चाहिए वो बनेगी। डिमांड सप्लाई बताएगी कोई चीज़ कितनी महंगी बिकेगी, कितनी सस्ती बिकेगी, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, फॉर हुम इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, सब कुछ जो है डिमांड सप्लाई उसका आंसर देगा। ठीक है, हमने कहा था हाउ इट शुड बी प्रोड्यूस, इट शुड बी प्रोड्यूस यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। अगर मार्केट में सही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। सिमिलरली व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड है, जितना सप्लाई कर सकते हैं आप वो प्रोड्यूस होगा। और फॉर हुम, फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं के लिए प्रोड्यूस होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमने बेसिक सीखी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये सारी कहानी में द सिस्टम इज फेलिंग, द सिस्टम इज नॉट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। एफिशिएंट नहीं हो रही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होती? ये होती जहाँ पे सब खुश होते, ज़रूरत नहीं थी गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की, लेकिन गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ गई है बिकॉज द मार्केट इज फेलिंग। द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। वाई इज देयर अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन? Why is there a need driven? ठीक हो गया। तो नीड तो है, क्यों है नीड, उसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पर। उसका उसके जो रीजन है वो रीजन हम वन बाय वन इसमें ऐड करते रहेंगे एज वी मूव अलोंग इसी लिस्ट में। तो पहला रीजन तो ये है कि भाई सम गुड्स विल बी ओवर प्राइस्ड। कहाँ पे हो रहे हैं? मार्केट में। मतलब कि अभी हम बोले जरूरत क्या है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की, जरूरत इसलिए कि मार्केट फेल हो रही है। मार्केट फेल कैसे हो रही है? क्योंकि वो रिसोर्सेज एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं कर पा रही। इसको फर्दर समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ गुड्स जो है वो ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस गुड्स। ठीक हो गया। ओवर प्राइस गुड्स जो है, अब इनकी हम कहानी पढ़ते हैं, ये कौन से गुड्स हैं और गवर्नमेंट करेगी क्या इनके लिए।
उसके लिए अच्छा एक तो ये क्वेश्चन चल रहा है, इसकी ना इसके नीचे लाइंस छोड़ देना कुछ कि, क्योंकि हम इसमें ऐड करते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट थ्री एंड सो ऑन, कुछ छः सात पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, पांच तो करेंगे एटलीस्ट, और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम पढ़ते रहेंगे कैसे यहाँ पे, उसका दूसरा सॉल्यूशन मतलब दूसरा जो एंड है, एक तो हमने डिसाइड कर लिया कि वाई इज द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग, और जो मेन टॉपिक है हमारा हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, गवर्नमेंट इंटरवीन करती किस तरीके से, बाय यूजिंग व्हाट टूल्स एंड मैकेनिज्म डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, ये हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, माइक्रो में आई थिंक ये सबसे समझने वाला टॉपिक है, हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, इसे ग्राफ से दिखाता हूँ, डिमांड सप्लाई यूज होगी सारी यहाँ पे जो आपको आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन आंसर, इसकी भी एक लिस्ट बना लें, इसको भी ना हम वन टू थ्री करके ऐड करते रहेंगे चीजें, ठीक है। तो नंबर वन अभी हम लिख लेते हैं, नंबर वन वे फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इज बाय इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम प्राइसेस, हो क्या रहा है, सम गुड्स आर विल बी ओवर प्राइस्ड, कुछ गुड्स जो है महंगे बिक्रे होंगे, उतनी ज्यादा बिक्रे होंगे जितने होने नहीं चाहिए, तो उसका हल क्या है, गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दे, और सम गुड्स कौन से गुड्स हैं, ये सम नेसेसरी गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी की बात चल रही है ना अभी, पेट्रोल की बात चल रही है, अगर आपने मार्केट पे छोड़ दिया चीनी को प्रोवाइड करने के लिए, चीनी नेसेसरी गुड है, एसेंशियल गुड है, पाकिस्तान में भी मसला चल रहा है चीनी का बहरान, चीनी के मसले, जितनी भी आपकी माफिया है शुगर माफिया वो सारी एक्सपोज हो रही है, नहीं हो रही, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, खैर तो वो ओवर प्राइज्ड है, मतलब कि वो इतनी महंगी है जितनी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप उनसे बोलें कि भाई इतनी ओवर प्राइस क्यों है, तो बोलेंगे इसका रीज़न क्या है, अब अच्छा देखिए मैं बता रहा हूँ, इसकी भी लिस्ट बना के छोड़ दें, फिर अब आप शुरू करें वन बाय वन सब टॉपिक, पहला सब टॉपिक पहला क्या है, टॉपिक जो है हमारा वह मैक्सिमम प्राइस, उसको हम शुरू कर रहे हैं, समझते हैं कि मैक्सिमम प्राइस होती क्या है और इसका ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, ठीक हो गया। तो हमने पहले की लिस्ट बनाई कि वाई इज देयर अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, वो हमने समझा कि भाई सम नेसेसरी गुड्स विल बी ओवर प्राइस्ड, ठीक है, और जो बाकी रीजंस हैं नंबर टू नंबर थ्री एंड नंबर फोर एंड सो ऑन, वो हमने अभी इसके लिए जगह छोड़ दी सिर्फ। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, उसके भी जो तरीके का है हमने पहला उसमें ऑप्शन लिखा मैक्सिमम प्राइस, अब बाकी जगह छोड़ दी है और हम अब मैक्सिमम प्राइस को समझ रहे हैं, यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं तो ओके लिख के भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, जी साद राफे तुम लोगों को कंबर करीम, कंबर जब आपको नहीं आएगा यार मैं आपको निकाल दूंगा अब, ये ठीक है, और ये एक दो बार होगा तो क्लास में एंटर होने नहीं दिया जाएगा, वापस चलते हैं, ओके मैक्सिमम प्राइस को डिफाइन करेंगे। अच्छा मैक्सिमम प्राइस का एक और टर्म जो आपको बुक्स में भी दिखेगी और कभी कभार पासवर्ड्स में भी दिखेगी वो है प्राइस, इसको इसमें लिख लेते हैं मैक्सिमम प्राइस को, और जो चीज़ बोलते हैं वो बोलते हैं प्राइस सीलिंग, एक तरीके से सीलिंग लगा दिया आपने, गवर्नमेंट ने बोला भाई चीनी जो है वो बिकेगी एट मैक्स 70 रुपये किलो, उससे महंगी कोई बेच के दिखाए, गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी, अगर आपने उससे महंगी बेची तो इलीगल, तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, गवर्नमेंट आपकी दुकान बंद कर देगी, आके आपको ओके ओके
अब इधर है बस, ये वापस पसला। अरे पिछला रिपीट कर देते, कुछ समझ नहीं आया था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं चुप हो गया था जब कि सर आपकी आवाज इतनी ज्यादा कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सही है। एक चीज नहीं समझ में आ रही। हमजा हाँ सर, कुछ नहीं आ रहा। अब आई, अब आपकी आवाज सही आई है, लेकिन इससे अभी आ पहले रही जो है, अभी आपने ये बोला था उसमें मसला कुछ समझ नहीं। अब बेहतर है, लेकिन पहले बहुत कट रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जी अब मुझे बताएं, अब बेहतर है? इसके सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं मैंने अभी तक। अभी मेरे बताओ, अभी सही आ रही है बस। वो दोनों सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे मंडे से इंशाल्लाह। ये अभी तो कॉलेज के ही मसले चल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो अजीज तुम, और कंबर तुम भी क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम प्राइस पर प्राइस सीलिंग, सर आपकी आवाज़ फिर से कटना शुरू हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये गिटार बज रहा है। जो कि इसको प्राइस सर सील भी नहीं आ रही कहते आवाज़ आपकी, गिटार बज रहा है। हैं। आवाज नहीं, फिर से कट रही है, लोग ये कह रहे हैं। नहीं आ रही, अस्सलाम अब बताओ, आवाज सही है? चैट पे लिख के बताओ मुझे आवाज की क्या सीन है। अब ठीक हो गई है?
देखते हैं अब बेहतर हो गया है। हाँ ठीक मैक्सिमम प्राइस प्राइस सीलिंग होती है बिल्कुल ठीक है ओके। तो अब सीन ये है कि भाई अगर आप पूछें ना चीनी बेचने वालों से कि भाई इतनी महंगी क्यों कर दी है प्राइस, तो रिटेलर्स तो बोलेंगे पीछे से महंगी आ रही है, पीछे वालों के पास जाएंगे तो वो भी कोई जवाब देंगे आपको। वो सारे जवाबों का मेन जो जवाब है ना, मतलब असली जो रीजन है सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, थैंक यू हमजा। तो मेन जो रीजन है वो क्या है कि डिमांड सर गिटार फिर से बजना शुरू हो गया कर रही है यहाँ पर। गिटार सुनो यार, फिर तुम लोग गिटार सुनो क्या कर सकते हैं। फिर से वही मसला करते हैं, आवाज खराब हो जाती है। ओके ना फिर से आवाज खराब हो गई, वो खराब होती है फिर सही होती है, वो अनेबल टू कनेक्ट नहीं होता। हाँ सर, अभी अभी आप बोल रहे हैं तो सही है आवाज, थोड़ी देर आप पढ़ाएंगे फिर खराब हो जाएगी। ये अजीब पता नहीं क्या होता है ये, एक सेकंड रुको इनको समझाओ, ये मसला पूछने से क्या हो रहा है आवाज का। सर आपकी आवाज भी कट रही है। हेलो जी जी, अब सही आ रही है। मेरी आवाज कट रही है? नहीं नहीं, अब सही आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मसला क्या होता है? अच्छा अभी ओके ठीक है। बेटा कोई ऐसा तो नहीं लाइक बीच गिटार बज रहा हो लाइक टाइप? सर अभी भी इनफैक्ट गिटार बजा है आपकी आवाज में। पियानो भी बज रहा है? हाँ सर गिटार बहुत बजता है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, रोजाना यही हो रहा है आपकी क्लास में। सर आप कॉलेज में ही है ना, तो फिर आपका इंटरनेट क्यों पता नहीं होता है सर? दानिश का, सर दानिश का भी नहीं हो रहा, सर जुनैद का भी नहीं हो रहा, पता नहीं आपकी क्लास में कोई पनौती है सर जिसकी वजह से इंटरनेट खराब हो रहा है। हाँ पनौती नहीं, सबका हो रहा है इस वक्त, जितने भी टीचर है सब फेस कर ठीक है। सर लगता आपको किसी ने बद्दुआ दी है। वेट कर सर, आपकी टाइमिंग सही नहीं है। ओके यार वन फाइनल ट्राई, अब बताओ क्या सीन है। सर सही है आवाज। ठीक है थैंक यू, अभी तो सही है। ठीक है ओके, तो भाई मैक्सिमम प्राइस पढ़ लें अब मास्टर कार्ड, टाइम तो है हमारे पास अच्छा खासा। चलो तो अब सीन ये है कि मैक्सिमम प्राइस को हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस है क्या? दिस इज वन ऑफ द वेज फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन। सही है, हम जो तरीकेकार बता रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, द वेज एंड मैकेनिज्म द गवर्नमेंट वुड यूज टू इंटरवीन इन द मार्केट, एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग, बिकॉज द मार्केट लेफ्ट ऑन इट्स ओन विल फेल, ऑन इट्स ओन द मार्केट इज फेलिंग। मार्केट फेलिंग का फेलियर का एक रीजन जो है वो ये है कि कुछ गुड्स जो है वो महंगे बिक रहे हैं, जो कि उनको सस्ता बिकना चाहिए था, नेसेसरी गुड्स हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई कि अब मैक्सिमम प्राइस लगाएं। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज चीनी, और चीनी की जो एक्चुअल प्राइस आई है मार्केट में, चीनी की डिमांड सप्लाई, तो चीनी की जो प्राइस आई है वो है 70 पर केजी, नहीं 70 नहीं, 70 तो गवर्नमेंट कह रही है ना। फॉर एग्जांपल ये चीनी बिक रही है 100 रुपये पर केजी। अब मुझे एक बात बताएं, मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट जो लगाएगी वो 100 के ऊपर लगाएगी या 100 से नीचे लगाएगी? कहाँ लगाएगी, ऊपर या नीचे?
सवाल समझ में आया? गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम प्राइस लगा रही है, दिस इज द, और उसकी डेफिनेशन भी लिख देते ना मैक्सिमम प्राइस की यहाँ पे, सर नीचे लगाएगी ना? नीचे लगाएगी क्यों सर? नीचे इसलिए लगाएगी क्योंकि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर 70 लगा दी प्राइस, तो फिर उनको जो लोग बेच रहे हैं रिटेलर्स और जो जो दुकानों में बैठे हैं उनको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा ना, जाहिर सी बात है, तो इसलिए नीचे लगाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर लगा दी तो क्या होता सर? ऊपर लगाते तो फिर वो फिर चीनी बहुत महंगी करते, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रॉफिट उतना ही रखना है ना जो चीनी बेच रहे हैं लोग, जैसे दुकानों में बैठे हैं, वो तो कम नहीं करेंगे अपना प्रॉफिट, तो वो फिर आवाम के लिए मसला हो जाता है, इसलिए उन्होंने नीचे लगाए। ठीक गवर्नमेंट अलाउज अ गुड टू बी सेल, टू सोल्ड। ठीक है, अच्छा जो आप कह रहे हैं कुछ हद तक बिल्कुल सही है, इसकी डेफिनेशन मैंने साइड पे लिख दी है, द मैक्सिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट अलाउज द गुड टू बी सोल्ड ना, द मैक्सिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट अलाउज अ गुड टू बी सोल्ड। अच्छा अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर लगाती है, आपका आंसर सही है, रीजनिंग थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि इससे नीचे होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आके बोले आप चीनी का स्टोर है आपका और आप जो है वो 100 रुपये पर के जी चीनी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट आ जाती है वन फाइन डे और बोलती है नहीं वेट, यू कैन नॉट सेल एट अ प्राइस अबव 120। गवर्नमेंट कहती है दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, तो आप जो है वो 120 से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, तो आप क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? आप बेच रहे हैं 100 का, गवर्नमेंट आगे बोलती है नहीं आप जो है ना 120 से ज्यादा नहीं बेच सकते, 120 से महंगा नहीं बेच सकते, दिस इज द मैक्सिमम एट विच यू कैन सेल, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भाई मैं ऑलरेडी 120 से कम का बेच रहा हूं, तो आपको इस मैक्सिमम प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू आर सेलिंग एट अ प्राइस दैट इज बिलो द मैक्सिमम प्राइस, तो नथिंग विल चेंज। इसीलिए अगर मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी, मैक्सिमम प्राइस अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी तो दैट वुड बी इनइफेक्टिव। इसको हम यहां लिख देते हैं, दिस मैक्सिमम प्राइस वुड बी इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव क्यों? क्योंकि ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इक्विलिब्रियम को कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर आप 100 का बेच रहे थे बिकॉज डिमांड सप्लाई वहां इंटरसेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट आके बोलती है नहीं भाई आप 70 से महंगा नहीं बेच सकते, आप जो है वो 70 से महंगा नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने बोला ये आपका स्टॉप है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी यहाँ पे, अब मसला होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैक्सिमम प्राइस सेट हुई है बिलो द इक्विलिब्रियम तो वो इफेक्टिव होगी। मसला क्या होगा उस मसले को देखते हैं। सर अगर ऊपर लगाएंगे तो प्राइस बढ़ा नहीं देंगे सप्लायर? नहीं बढ़ाएंगे नहीं, वो बोलेंगे ठीक है इसके मतलब, देखो मैक्सिमम का मतलब क्या, इससे कम में आप सेल कर सकते हैं, तो बोलेंगे ठीक है हम इससे कम में सेल कर रहे हैं। वो अगर बढ़ाएंगे ना तो फिर उनको मसला होगा, गैप आएगा, अगर 120 पे वो देखेंगे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो नुकसान है, तो वो उनके लिए इक्विलिब्रियम जो है वो सेट है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यार ये जो इक्विलिब्रियम जो कि मार्केट इकोनॉमी की वजह से आ रहा है, बिकॉज मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ जो है वो डिमांड सप्लाई से आता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत महंगी प्राइस है, इस पे नहीं बिकना चाहिए, गवर्नमेंट ये कह रही है, क्योंकि मार्केट पे छोड़ेंगे तो मार्केट ने डिसाइड किया 100 पे बिकना चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी सप्लाई कम है, तो वो ये जो है उस बहुत महंगी प्राइस बिक रही है। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं दिस आप जो है सेल कर सकते हैं एट अ मैक्सिमम ऑफ 70। उस वक्त क्या होगा, 70 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड आएगी, अगर आप देखें वो डिमांड कर्व से आएगी, वो ये आएगी QD, और क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ 70, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ये आएगी QS। अब इस प्राइस पे होगा यही मार्केट के अंदर जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट ने यही किया, गवर्नमेंट ने बोला कि चीनी जो इतने की बेचा 70 की बेचा, हुआ क्या, एट 70 क्वांटिटी डिमांडेड तो बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये कोई मिलियन बोरों की बात हो रही है, कितने बोरे बिके रहे चीनी के, 10 की बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 100 जो प्राइस थी उस पर दिन में 2 मिलियन टन बिक रहे थे फॉर एग्जाम्पल,
अब 70 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 मिलियन की है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 1 मिलियन की है, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और इंटरवेंशन की वजह से ये आएगा गैप, और ये गैप क्या है, दिस इज एक्सेस ऑफ डिमांड, फॉलो कर रहे सब, जिस एक्सेस डिमांड डिमांड ज्यादा है तो कोई फायदा हुआ, सप्लायर ने तो सप्लाई नहीं किया, सप्लायर ने यहां पर रुक गई सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा थी। इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं, पहले मुझे पता यहां तक समझ में आ रही है बातें तो ओके लिख के बच्चे को कंफ्यूजन है पूछा। ठीक है बेहतरीन, ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है हो गया, सही है नीचे लगाएंगे बिल्कुल, और इसको मैं लिख भी देता हूँ ओके। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको कोई शको शबा ना रहे, फॉर अ मैक्सिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव, एमसीक्यू आती है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ होता क्या, फॉर अ मैक्सिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव इफेक्टिव मतलब उसका कोई इफेक्ट आए ना, कोई इफेक्ट तो आए उसका, इट शुड बी सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस आपने कहां सेट करेंगे, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई शक इसमें, कोई बात जो आपको ना समझ में आए। अच्छा एमसीक्यू कैसे आती है मैं आपको दिखा देता हूँ, एमसीक्यू कैसे आती है तो एक चीज देखें कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से आया, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आपको एमसीक्यू दी हुई है कि भाई ये जो है वो डिमांड है, ये सप्लाई है, इससे जो है वो मार्केट प्राइस आ रही है पी नॉट, क्वांटिटी आ रही है क्यू नॉट, क्वांटिटी है ओरिजिन है प्राइस है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया मार्केट में और गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी है पीएम जो कि यहाँ है मैक्सिमम प्राइस, क्या होगा इससे, क्या होगा, ऑप्शंस ये होंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ और कोई ऑप्शन होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर ये कि देर विल बी नो चेंज इन द मार्केट, देर विल बी नो चेंज इन द मार्केट, क्योंकि बता सकते हैं कि नो चेंज क्यों होगा, क्योंकि क्यों होगा नो चेंज अगर मैक्सिमम प्राइस हमने सेट किया पीएम, क्योंकि प्राइस ज्यादा है मार्केट इक्विलिब्रियम से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इक्विलिब्रियम है उससे ऊपर सेट किया मार्केट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट होगी तो वो पूरी मार्केट में कोई चेंज नहीं लाएगी, ठीक हो गया, बिकॉज दिस मैक्सिमम प्राइस इज इनइफेक्टिव। तो अगर आपने मैक्सिमम प्राइस सेट की अबव द मार्केट प्राइस से पहले तो आपको समझ में आ जाए भाई कि इनइफेक्टिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्क पड़वाना आपने तो आप सेट करें बिलो द इक्विलिब्रियम, और बिलो द इक्विलिब्रियम की जो हमने डायग्राम बनाई है उसको मैं दोबारा बना देता हूँ, उसको हम यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो असली डायग्राम हम बनाएंगे मैक्सिमम प्राइस की जो मेन डायग्राम उसमें हम सिर्फ इफेक्टिव ही दिखाएंगे, इनइफेक्टिव नहीं दिखाएंगे, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। तो मेन डायग्राम क्या होगी, क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, इसमें डिमांड सप्लाई है, डिमांड सप्लाई की इंटरसेक्शन से एक प्राइस आ रही है मार्केट में, गवर्नमेंट को लग रहा है ये प्राइस महंगी है, गवर्नमेंट किसी भी वजह से कि ये रमजान है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि खजूर जो रेट्स उनकी प्राइस महंगी है तो वो एक मैक्सिमम प्राइस लगा दे ताकि सब कंज्यूम कर सके, और चीनी में फॉर एग्जांपल अभी ये हो रहा है कि नेसेसरी गुड है लेकिन वो बहुत महंगी बिक रही है, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया मार्केट में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला कि नहीं द
TM पे सेल करें आप, दिस इज अ मैक्सिमम प्राइस, ऐसे शो करेंगे आप डायग्राम में मैक्सिमम प्राइस. होगा क्या इस मार्केट प्राइस पे, क्योंकि ऐसे ये तो इफेक्टिव है, इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि दिस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम के नीचे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है. अब इस प्राइस के ऊपर डिमांड सप्लाई कितनी है वो हम देखेंगे, ठीक है. तो आप इस प्राइस से गए कहां तक, डिमांड ग्राफ तक, और नीचे आ गए तो आपको मिल गया क्यू डी. इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड तो बहुत ज्यादा, लेकिन सप्लायर रेडी नहीं है, क्यू एस ये आ रही है. तो इसके हमने जो अगर हमने आप चाहे तो वैल्यूज भी लिख लें, वैल्यूज में लिख देता हूँ. तो पी नॉट और पी एम की जगह आप चाहे तो, और यहाँ पे भी क्यू एस और क्यू डी की जगह आपको नंबर्स लिख लें ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए. लेकिन आप नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्राइस भाई हमने जो बात की थी कि 100 rupees पर के जी पर सेल हो रही है चीनी, गवर्नमेंट ने बोला नहीं 70 पे होनी चाहिए, 100 पे जो है वो 2 million वॉज द क्वान्टिटी ट्रेडेड, क्योंकि यू डी भी यही था, क्यू एस भी यही था, ठीक है. लेकिन अगर प्राइस ऑफ 70 जो क्वान्टिटी डिमांडेड है बहुत ज़्यादा है, वो फॉर एग्जाम्पल 5 million है, लेकिन जो आपके सप्लायर्स हैं वो रेडी नहीं है, वो सिर्फ 1 million सप्लाई करने को रेडी है, सप्लाई इतनी आ रही है, डिमांड इतनी आ रही है. तो अगर मैक्सिमम प्राइस इफेक्टिवली सेट हो गई तो दिस विल इवेंचुअली लीड टू अ गैप इन द मार्केट, डिमांड सप्लाई गैप. और डिमांड सप्लाई गैप क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है. ओके सर जी, सही है. जो मैक्सिमम प्राइस है, जो आप पिछले वाला केस बता रहे थे कि प्राइस कम थी जो हम सेट कर रहे थे, तो उस वक्त तो एक्सेस सप्लाई नहीं हो जाएगी, अगर ऐसे ग्रुप नहीं होगी, नहीं, क्योंकि ये ना प्राइस को चेंज नहीं करेगा, यहाँ ना ये प्राइस को चेंज नहीं करेगा, इनफेक्टिव है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू चेंज द प्राइस. अगर प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा भी दी ना तो होगा क्या, गैप आ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं बढ़ाएगा, वो प्राइस वहीं पे छोड़ देगा जहां ऑलरेडी है, वो बड़ा खुश है इस प्राइस पे. सर लेकिन सर जी, सर गैप कैसे आएगा, चीनी तो वो इनइलास्टिक गुड है ना, और तकरीबन कह लें परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि लोग तो लेंगे ही लेंगे चीनी. नहीं, आप पहले देखिए ना इसका मकसद समझें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं चीनी, चलो वेरी वेरी इनइलास्टिक कह सकते हैं हम, ठीक है. अब ना सीन ये है कि अगर प्राइस गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट की, तो ये फजूल पॉलिसी है ना, इसे समझे ना, सोचे हो क्या रहा है गवर्नमेंट, वाई इज द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग, यहाँ से शुरू करें, गवर्नमेंट इंटरवीन कर क्यों रही है, गवर्नमेंट इंटरवीन इसलिए कर रही है ताकि जो नेसेसरी गुड्स ओवर प्राइस हैं वो सस्ते हो जाएं. तो आपने आके बोला नहीं नहीं 100 की क्यों बेच रहे हो भाई, आपने 150 से महंगी नहीं बेचना बस, तो फिर तो क्या होगा मार्केट में, आप पे लोग भी हंसेंगे, क्या मजाक है, आप समझ रहे हैं. तो और ये दिस पॉलिसी डज नॉट मेक सेंस, और इवन इफ इट मेक सेंस और ऐसा कुछ कर भी दिया उन्होंने, तो इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो आपको इजाजत नहीं देगी इस चीज़ की. वो बोलेगी भाई अगर आपने प्राइस ऊपर सेट की तो भी प्राइस विल इवेंचुअली रीच दिस पॉइंट. आपको याद है ना हमने क्या कहा था जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो हमने यही कहा था कि इवन इफ द प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम, प्राइस कहीं भी होती इट विल इवेंचुअली इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. अब ये हमारी थ्योरी है ना पूरी, आप पहुंचेंगे पी नॉट पे ही, दिस इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, देयर विल बी अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस, ठीक हो गया. दिस इज एक क्वेश्चन था सर, ये गवर्नमेंट कैसे प्राइस सेट करती है, मतलब किस चीज को देख के प्राइस सेट करती है कोई भी चीज? यार इसके पीछे बड़े रीजंस हैं, बड़े रीजंस हैं, अच्छा सवाल है. इसमें जो एक डिस्कशन हुई थी मेरे एक ऐसे नुमाइंदे से जो इन्वॉल्व है इस चीज में, तो वो हमें समझ में आएगा वैसे जब हम इन्फ्लेशन तक पहुंचेंगे. गवर्नमेंट की एक बकेट होती है पूरी ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक साथ एनालाइज करनी होती है, वो कहते हैं कि 200 से ऊपर फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स मुराद के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है इस वक्त जो है, इनकम लेवल्स कैसे हैं लोगों के, मौसम कैसा है, कोई इवेंट तो नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अकाउंट फॉर करते हैं वो थियोरेटिकली. उन्होंने ये पूरा एक बनाया हुआ है बोर्ड गवर्नमेंट ने आपकी, और दुनिया भर में इस तरीके से होता है. और इन्फ्लेशन के वक्त थोड़ा आपको और समझ में आएगा कि हम बकेट बनाते कैसे, लेकिन
एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल मार्केट में जिसकी जो मर्जी है वो करेगा. लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि अगर अगर गवर्नमेंट हो ही ना, डिमांड सप्लाई में छोड़ दिया जाए, तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि ऑल मार्केट्स विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्राइस ऊपर सेट हो या नीचे सेट हो अब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे. यहाँ पे मतलब कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन द मार्केट. इन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस की वजह से देयर विल बी नो चेंज इन द मार्केट अगर इन इफेक्टिव है. इसको लिख लेते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द मार्केट. ठीक है. अच्छा यहां भी सोचें, पहले हम जरा जो पॉलिसी एक्चुअल इफेक्टिव पॉलिसी है उसको डिस्कस करें. ये हुआ ना आपके साथ अभी चीनी में, क्या ये उस पॉलिसी का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, क्या हुआ आपके हिसाब से? डिपेंड्स कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसको नुकसान है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है. क्या फायदा है? सर फायदा ये है कि जब पहले जो है वो 100 रुपए किलो जो है वो चीनी ले रहा था, और अब जो है वो 70 रुपए किलो चीनी ले रहा है, तो उसको 30 रुपए बच रहे हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा लेकिन हो क्या रहा है, क्वांटिटी सोल्ड पहले कितनी थी? What was the quantity sold पहले हमजा, या कोई भी अरीम? सर पहले quantity sold थी 3 million bags of sugar, और अब जो ओ सॉरी 2 है, सही है, सॉरी माय फॉल्ट. और फिर अब 70 पे 1 million हो गई, 2 million थी. सर आपकी आवाज कट रही है अब. हाँ तो 70 पे quantity sold कितनी है? 1 million. अब बताओ, अब आ रही बस? हाँ आप सही आ रही है, 1 million. ठीक है, 70 पे quantity sold जो 1 million है, तो ये फायदा नुकसान है? नुकसान हो गया ना. तो फायदा किसको है? फायदा सिर्फ उन कंज्यूमर्स को जिन्होंने खरीद लिया, जो लाइन में आगे खड़े हुए थे ना, जिनको ये 1 million बोरे मिल गए, 1 million टन शुगर जिनमें बढ़ गई, उनको फायदा है. बाकी जो पीछे खड़े हुए लाइन में ये सारे लोग 5 million, इनका क्या? सर ये जो मैक्सिमम प्राइस है, जिसमें अगर डिमांड बढ़ती है तो बढ़ेगी नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे वही तो कह रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने प्राइस मैकेनिज्म मार्केट के हाथ से ले लिया. अब डिमांड बढ़े या कुछ भी हो, ये है प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी, इससे ऊपर नहीं. सर इसमें तो सर गवर्नमेंट को भी नुकसान है ना, क्योंकि पहले 2 million बैग बिक रहे थे, उनको जो है उस हिसाब से टैक्स मिल रहा था, अब 1 million बिक रहे हैं तो फिर उनको उस हिसाब से टैक्स मिल रहा है. बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, सही कह रहे हैं. अभी हमें टैक्स शो नहीं किया डायग्राम में, टैक्स हम शो करेंगे. गवर्नमेंट इंटरवेंशन में टैक्स भी एक टॉपिक है ऑब्वियसली. ये चीज समझ में आई है? तो ये पॉलिसी इनइफेक्टिव है या इफेक्टिव है? इसमें फायदा सिर्फ उन कंज्यूमर्स को है हु आर एक्चुअली एबल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट. इसको लिख लें, only those consumers who would actually be able to consume the reduced quantity would be benefited. Reduced quantity जो है, जो लोग कंज्यूम कर पाएंगे उनको फायदा है. जो लोग नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, जो कि पीछे लाइन में, गवर्नमेंट को क्या फायदा है इसमें? गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. ये पॉलिसी फेलियर है, ये पॉलिसी फजूल है. क्यों फजूल है? क्योंकि आप करना क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि सस्ता हो. सस्ता तो हो गया, लेकिन लोगों को कंज्यूम करने को ही नहीं मिल रहा. अगर आपको पता हो, जब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में यही किया था, अभी ये मैं चीनी वाला केस इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत रिसेंट और अभी तक चल रहा है ना, तो इसमें क्या कि गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि 70 पर केजी में बिकनी चाहिए, तो आप जाएं यूटिलिटी स्टोर्स में, चीनी खाए है ही नहीं चीनी. अब गरीब बंदा कहाँ जाए? वो तो वो बोलने पीछे से आ नहीं रही. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब डिमांड तो है, एक्सेस डिमांड है, और लेकिन सप्लाई अवेलेबल नहीं है उस प्राइस के ऊपर जो गवर्नमेंट कह रही है. फिर क्या होगा सर? लेकिन आम स्टोर से तो मिल रही होती है. आम स्टोर से मिल रही होती है, वो भी कम पे मिल रही होती है. और मिलती है तो वो क्या इस प्राइस पे मिलती है 70 पे?
नहीं 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 सर, एक बात ये मैं पूछ रहा था। हाँ, सर बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि वो अगर जब जैसे 70 पे जो है 1 मिलियन बैग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जो सप्लायर है वो 1 मिलियन दे, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी दे के वो बोले कि आपने देने भी 2 मिलियन है और प्राइस भी 70 होनी चाहिए, तो वो ये क्या बोलेगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई आप खुद ही बेच लो। पर आप कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट वैसे फोर्स कर सकती है, वो कर भी रही है, वो कह रही है नहीं आप स्टॉकिंग ना करें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक करने को, चीनी अपने गोदाम में रखने को इलीगल करार दे दिया, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, उन्होंने चीनी वापस लिया, मतलब उन्होंने कहा मार्केट में लेके नहीं जाएंगे, गोदामों में बंद कर लेंगे, विल वेट फॉर द प्राइस टू राइज, तो गवर्नमेंट ने उसको इलीगल करार दिया। अब गवर्नमेंट अगर उसको छापे मारे और उनको पकड़े और उनको केस करे उनके ऊपर, तो ये आपको पता है, ये हमें लग रहा है चीनी की तो कोई वैल्यू नहीं है, $1 बिलियन मार्केट है, $1 बिलियन, मिलियन भी नहीं, $1 बिलियन मार्केट है पाकिस्तान में चीनी की, इतनी कंजम्पशन है सालाना एक बंदे के हाथ में, और सर तभी तो सारे पॉलिटिशियंस घुसे हैं इसमें। हाँ हाँ, आप सोचो ना, हर घर में यूज हो रही है ना, हर घर में हर बंदा यूज कर रहा है, पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, और इसको उन्होंने बिल्कुल उस पर अपनी मोनोपोली बना ली एक तरीके से, एक उन्होंने बैठ गए और वो गवर्नमेंट से भी बड़े हो गए, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी माफिया है, तो क्या करे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनफेक्टिव है आपकी पर, और ये पॉलिसी भी इनफेक्टिव है। अच्छा होगा क्या, इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ पाकिस्तान में, अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला 70 की बेचें भाई, गवर्नमेंट ने एक लॉ लगा दिया, गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर जाके वो पोस्टर भी लगा दिया कुछ दुकानों पर 70, और यूटिलिटी स्टोर जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट से लिंक्ड भी होते हैं, तो वो 70 पे ही बेच रहे हैं, लेकिन उनके पास है ही नहीं चीनी, जितनी थी वो बिक गई, वो कहते हैं है ही नहीं, वो क्वालिटी कम कर देते हैं, क्वालिटी नहीं होगा क्या। अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ने बोला सर सर गिटार बज रहा है, अब समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज, यूटिलिटी स्टोर उसने बोला नहीं है सर, रिपीट कर दें जो आपने कहा, ये बस एक सेंटेंस रिपीट कर, हां हां मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे घर वालों ने बोला भाई बेटा चीनी लेकर आओ, आप गए चीनी लेने यूटिलिटी स्टोर, यूटिलिटी स्टोर वाले ने बोला कि हाँ 70 की तो है लेकिन है नहीं, खत्म हो गई, आप गए आगे, आगे वाली दुकान में उसने बोला कि यार हाँ चीनी है लेकिन ना 100 की है पर केजी, तो आपने उसे बोला भाई कि यार गवर्नमेंट ने तो सर आवाज गई आपकी, सर आपकी आवाज गायब हो गई, पियानो भी बंद हो गया,
अच्छा एक काम करो, स्पीड टेस्ट चेक करो जरा अभी. अच्छा कंटिन्यू करें. ओके अल्लाह हाफिज़.